हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक कुमार, फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मैं किसी से कैसे बात करूं, सामने वाला बंदा मेरे से बात नहीं करता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरी बातें नहीं सुनता, मैं किस समय बात करूं, किससे बात करूं, कहां बात करूं, कैसे बात करूं, मैं बहुत शर्माता हूं और डर मुझे लगता है बात करने में, मैं फंबल कर देता हूं, मुझे घबराहट होती है, तो कैसे मैं कैसे किसी से एकदम फ्री होकर बात कर सकता हूँ, कैसे? तो आज मैं आप लोगों को 5 टिप देने वाला हूँ, बहुत इजी सिंपल टिप। टिप नंबर 1, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट सामने वाले पर्सन को दिखाइए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, बंदा मेरे लिए इंटरेस्टेड है। आप जितना हो सके उतना सामने वाले बंदे को इम्पोर्टेंस दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, वैल्यू दीजिए, तो उस बंदे को लगेगा हाँ, ये बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे वैल्यू दे रहा है, मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, तो आपकी केयर करेगा। टिप नंबर 2, जब आपकी बातचीत शुरू होती है, जब आपका कन्वर्सेशन शुरू होता है, 1-to-1 होता है, तो जितना हो सके आप सामने वाले की बातें सुनिए, खुद मत बोलिए, जितना हो सके उतना सुनिए। आप उस बंदे को इतना इम्पोर्टेंस दीजिए कि उस बंदे को ये फील होना चाहिए कि हाँ, ये बंदा मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, मेरी बातें सुन रहा है, मुझे वैल्यू दे रहा है। टिप नंबर 3, जितना हो सके आप सामने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछिए। जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे उतना आपको जवाब मिलेगा। सवाल पूछिए, जवाब सुनिए, सवाल पूछिए, जवाब सुनिए, तो इस तरीके से क्या होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग केमिस्ट्री सिमिलर हो जाएगी और कहीं ना कहीं उस बंदे को लगे कि हाँ, इस बंदे को मेरे दोनों की सिमिलरिटी काफी ज्यादा है, और फिर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, एक रॉयल्टी बिल्ड हो जाएगी, फिर आप लोगों का बातचीत करने का तरीका, कन्वर्सेशन काफी स्मूथ हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा, फिर आप एक राइट डायरेक्शन में आप बातचीत कर सकते हैं। टिप नंबर 4, आप हमेशा सामने वाले पर्सन को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको ये फील करवाइए कि वो इस बातचीत का स्टार है, वो इस कन्वर्सेशन का स्टार है, जो है सब कुछ वही है। इस तरीके से क्या होगा कि जब उस बंदे को लगे कि हाँ मैं ही हूँ, हालांकि हर किसी को स्टार बनने की आदत होती है, हर कोई चाहता है कि मैं स्टार बनूं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में अलग है। जब आपको किसी और से बात करना होता है तो ज्यादातर आप सामने वाले बंदे को आप वैल्यू दीजिए, जितना आप इम्पोर्टेंस देंगे वैल्यू देंगे, आप उस बंदे को ये फील कराएंगे कि इस बातचीत का, इस कन्वर्सेशन का वो स्टार है, तो उस वो बंदा प्राउड फील करेगा और उतना ओपन अप होगा, उतना आपसे ज्यादा बात करेगा, आप दोनों का कन्वर्सेशन इजी हो जाएगा। और टिप नंबर 5, आपका कनेक्शन बन गया तो आप उससे सवाल पूछिए और जितना हो सके उतना कनेक्शन बिल्ड कीजिए, स्ट्रांग बिल्ड कीजिए। स्ट्रांग बिल्ड करने के बाद फिर आप दोनों एक राइट डायरेक्शन पे हो, एक राइट पाथ पे हो, फिर आप दोनों हेल्दी बातचीत कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, ये सब सारी बातें मैंने बताई है द ऑथर बाय क्रिस वेडनर की बुक से, हाउ टू टॉक टू एनीबॉडी एनीटाइम एनीवेयर। अगर आप लोगों को भी पढ़ना है ये बुक, तो मेरे बायो में इस बुक का नाम मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके आप नाम देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका अपना विवेक कुमार।